हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं एक टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ एसएससी सीएचएसएल के स्टूडेंट्स के लिए, और ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है। वीडियो के फॉर्म में इसमें मॉक टेस्ट रहेंगे, और इसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सीएचएसएल टीयर वन के लिए, वो सारे मैं इंक्लूड करूँगा। तो इस वीडियो क्लास में 25 क्वेश्चन है, और ये 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, इसमें आप 30 सेकंड का टाइम ले सकते हैं, 20 या 30 सेकंड का आप टाइम ले सकते हैं, और उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर बताता जाऊंगा। जितना भी आपका स्कोर बनता है, उस स्कोर को मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर भेजिए। तो ये इस 2018 के लिए मॉक टेस्ट सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ, और ये मॉक टेस्ट वन है सी एच एस एल सी जी एल और सी एच एस एल एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं, इस मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। इस मॉक टेस्ट को यहाँ से आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। ये सबसे सस्ती और सबसे अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज़ है, केवल 99 रुपीज़ में इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को आप ले सकते हैं। और स्टूडेंट की डिमांड पर मैंने एसएससी के लिए एक मेगा पैक क्रिएट किया है, जिसमें 130 सेट है। उस सेट की प्राइस 299 रुपये है, 299। तो उसको भी आप ज़रूर लें, और यदि आप उसको नहीं लेना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ में आप सीएचएसएल के लिए, सीजीएल के लिए, या बैंक पीओ, इस तरह के कोर्सेज के लिए आप इंडिविजुअल पैक ले सकते हैं। लेकिन जो मेगा पैक है 299 रुपीज़ का, वो काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी क्वेश्चंस उसमें आपको मिलेंगे। तो उसको आप ज़रूर लें, उसके थ्रू आप प्रैक्टिस करें। और ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, myeaclasses.com। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ से आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये स्पेलिंग पूछी जाती है। अब देखिए, इन क्वेश्चंस में क्या होता है, या तो चार क्वेश्चन दिए हैं, जैसे ये चार वर्ड दिए हैं यहाँ पर, तो इसमें से या तो ये करेक्ट स्पेलिंग पूछी जाएगी, या तीन करेक्ट हैं और एक इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछी जाएगी। तो किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन दिया जा सकता है, लेकिन यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन एयर मतलब प्रश्नावली जो होती है, जैसे कोई सर्वे वगैरह हम करते हैं तो उसमें क्वेश्चन की एक सीरीज होती है, उसको क्वेश्चन एयर बोलते हैं। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या है, ठीक है? तो इसका आंसर आप लगाइए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, और अपना स्कोर आप मुझे माइनस मार्किंग करने के बाद आप मुझे भेजिए कमेंट बॉक्स में लिख के, डेफिनेटली, और उसमें मैं अपना फीडबैक दूंगा आपको। तो क्वेश्चन ईयर की सही स्पेलिंग, देखिए क्वेश्चन ईयर में आखिरी में जो है ये IRE आता है, AIRE, और डबल N आता है, तो QUESTION, ये क्वेश्चन हो गया, और नेयर NAIRE, क्वेश्चन नेयर, ठीक है? तो ये इसकी सही स्पेलिंग है क्वेश्चन नेयर की, ठीक है? तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा ये वर्ड है लिएजन, और इसका मतलब होता है एसोसिएशन, या किसी के साथ कनेक्शन, या जो रिलेशनशिप्स होती हैं, कस्टमर रिलेशनशिप्स जैसे, जिसको हम बोलते हैं उसको लिएजन बोलते हैं। और इसकी सही स्पेलिंग आपको लगानी है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है, और इसी तरह के वर्ड आपसे सीएचएसएल में, सीजीएल में, एमटीएस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका आप देख लें आराम से, और इसका आंसर आप लगाएं, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा, देखिए, LIAISON, ये सही स्पेलिंग है इसकी, LIAISON, लिएजन, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है इस वर्ड की। तो बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्विलेंस, सर्विलेंस की क्या सही स्पेलिंग है? सर्विलेंस का मतलब होता है चेकआउट करना, वॉच करना, आपका ऑब्जर्व करना, किसी को सुपरविजन करना, उसको हम सर्विलेंस बोलते हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके सीएचएसएल एग्जाम जो 4 मार्च से शुरू होंगे, उसमें डेफिनेटली इस तरह के वर्ड्स आएंगे, और काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है। तो इसका आप सही आंसर आप लगाएं, उसके बाद मैं सही आंसर इसका बता रहा हूं आपको। तो इसका सही स्पेलिंग होगी ये वाली, SURVEILLANCE। देखिए, एक होता है, पहले तो आप सर लिखें इसमें, ठीक है? फिर VEIL, वेल एक वर्ड होता है, वेल का अर्थ होता है किसी चीज़ को ढकना, सर वेल, और फिर लेंस, LANCE, ठीक है? तो इस तरीके से इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं, SURVEIL और LANCE, सर्विलेंस, इस तरीके से इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं। ये डी इसका सही आंसर होगा। तो अपना आंसर आप लगा लें, और अपने आप मार्क्स जोड़ते जाएं माइनस मार्किंग करने के बाद, जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 50 में से फिर जितने भी आपके मार्क्स आते हैं
उनको मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें और उस पर मैं अपना फीडबैक दूंगा। और आपको रिपोर्ट कार्ड भी इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और एंड से पूरा ध्यान से सुने। अब देखिए, ये आ गया दूसरा सेक्शन और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेक्शन है। इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है और ये चार ऑप्शन दिए हैं इसके, कॉस्टिंग नथिंग और अनपेड, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको फ्री ऑफ चार्ज मिली है या जो अनपेड है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो सही आंसर आप नहीं दे पाएंगे। पहले आप क्वेश्चन को समझिए आराम से, उसके बाद आंसर दीजिए। कॉस्टिंग नथिंग और अनपेड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई भी चीज़ या कोई भी सेवा आपको फ्री में मिली है तो उसको हम, अब देखिए इसमें दो ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं। इंसॉल्वेंट का क्या अर्थ है? इंसॉल्वेंट का अर्थ है जो व्यक्ति बैंकरप्ट हो चुका है और अपना कर्जा नहीं चुका सकता, उसको हम बोलते हैं बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, ये कॉमर्स का वर्ड है। डोनेशन का अर्थ होता है दान देना। ऑनरेरी का क्या अर्थ है? ऑनरेरी का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के द्वारा की गई फ्री में सेवा, उसको हम बोलते हैं ऑनरेरी। तो यहां पर इसका सही जो वर्ड होगा वो होगा ग्रेटिस, या ग्राटिस भी बोलते हैं इसको। तो ग्रेटिस यहां पर इसका सी यहां पर सही आंसर होगा, ऑनरेरी यहां पर आपका सही आंसर नहीं होगा। ऑनरेरी एक्चुअली किसी पोस्ट के लिए, सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेक्रेटरी है, किसी अकेडमी में कोई पोस्ट है, तो वो बिना पैसे लिए, बिना सैलरी लिए यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑनरेरी। ठीक है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो ऑनरेरी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि कॉस्टिंग नथिंग और अनपेड, यानी कोई सेवा या कोई वस्तु आपको मिल रही है जिसकी कॉस्ट आपको जीरो पड़ी है, आपको कोई कॉस्ट उसकी नहीं देना पड़ी, तो इसमें सही जो आंसर होगा वो आपका सी सही आंसर इसमें होगा, ग्रेटेस्ट, ऑनरेरी नहीं होगा। इंसॉल्वेंट का जो इक्विवेलेंट है वो बैंकरप्ट होगा। ठीक है, तो ये इंसॉल्वेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी स्पेलिंग भी आप देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ पर्सन हु प्रोफेसेस बिलीफ ही और शी डजंट होल्ड, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीफ तो कुछ और रखता है, मतलब कहता कुछ और है और करता कुछ और है, यानी एक पाखंडी टाइप का एक व्यक्ति है या डबल स्टैंडर्ड वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ये आपको लगाना है, सिनिक, हाइपर क्रिटिकल और हिपोक्रिट, ये चार आपके पास ऑप्शन है। इसका सही आंसर आप लगाइए, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर होगा हिपोक्रिट। ठीक है, हिपोक्रिट इसका सही आंसर होगा। क्रिटिकल मतलब जो बहुत ज़्यादा बुराई करता है किसी चीज़ की, हाइपर जो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है, सिनिक जो डाउटफुल रहता है, तो ये इसके मीनिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर सही आंसर होगा हिपोक्रिट। ये है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, इसको फेसबुक पर आप ज्वाइन करें और मेरी सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो वहाँ से इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप को आप ज़रूर ज़रूर आप ज्वाइन करें। सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मैं इसमें रखता हूँ, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हेल्ड ड्यूरिंग अ डे टाइम। ठीक है, कोई भी शो जो होता है मूवी का और डे टाइम में चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो अजीब सा होता है। ठीक है, तो इसका आप आंसर लगा लें पहले, फिर मैं चारों आंसर को एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसका सही आंसर होगा मैटिनी। मैटिनी जो शो होता है वो दोपहर में चलता है। ठीक है, तो मैटिनी इसका सही आंसर होगा। मर्सिनरी क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो केवल पैसे के लिए काम करता है, उसके लिए एथिक्स की, नैतिकता की, मोरल्स की कोई वैल्यू नहीं है, एथिक्स को ताक पर रखकर वो पैसे के लिए केवल काम करता है, उसको हम बोलते हैं मर्सिनरी। ठीक है, इडियोसिनक्रेसी क्या है? इडियोसिनक्रेसी एक, देखिए अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उनकी अलग अलग आदतें होती हैं, अलग अलग उनकी हैबिट्स होती हैं, तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की जो एक पर्टिकुलर सी आदत या पर्टिकुलर सी हैबिट जो होती है उसको हम बोलते हैं इडियोसिनक्रेसी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो मैटिनी होगा, आ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हेल्ड ड्यूरिंग अ डे टाइम। ठीक है, तो मैटिनी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसको क्वेश्चन को आराम से पढ़ें आप और इसका आंसर आप निकालें। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के जो मूवमेंट हैं, पृथ्वी के नीचे, धरती के नीचे जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उसको मेजर हम करते हैं किस इंस्ट्रूमेंट से, किस इंस्ट्रूमेंट से उसको हम मेजर करते हैं? तो एक तो है सैक्सोफोन, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, बैरोमीटर से हम हवा का दबाव नापते हैं,
माइक्रोस्कोप से हम छोटी चीजों को बड़ा करके देखते हैं, तो साइज्मोग्राफ, ठीक है, ये भूकंप की इंटेंसिटी को नापता है। साइज्मोग्राफ यहां पर आपका सही आंसर होगा ये क्वेश्चन का, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और ये मॉक टेस्ट 1 है एसएससी सीएचएसएल के लिए। ये सीरीज मैं चला रहा हूं और इसमें मैं रियल क्वेश्चंस डालूंगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, क्लोज टेस्ट के, पीक्यूआरएस के, सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। अभी पहले इस मॉक टेस्ट को आप करें आराम से, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू डिफ्यूजली, क्या मतलब है इसका? सबसे पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है, तो उसके बाद आपको उसको ट्राई करना, अटेम्प्ट करना है। मतलब यदि आप गलत निकाल रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर भी आप गलत ही निकालोगे, ठीक है। तो अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू डिफ्यूजली मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट है उसमें से लाइट तो जा सकती है लेकिन थोड़ी सी छन छन के जाएगी, एकदम से क्लियरली नहीं जाएगी। तो ओपेक में से तो बिल्कुल नहीं लाइट जाएगी, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट में से पूरी लाइट चली जाएगी। सेमी ओपेक थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट वर्ड है। ट्रांसलूसेंट यहां पर सही आंसर आपका होगा, ट्रांसलूसेंट, जिसमें से आधी लाइट जा सकती है और आधी लाइट नहीं जा सकती, छन छन के उसमें से लाइट जाती है, तो ट्रांसलूसेंट यहां पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये आपका सिनोनिम का सेक्शन स्टार्ट हो गया। प्रीकोशियस, क्या मतलब है इसका? प्रीकोशियस का क्या मतलब है? प्री मतलब पहले और कोशियस मतलब एज, जो अपनी एज से पहले ही एज से ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको हम बोलते हैं प्रीकोशियस, यानी इसका सही आंसर होगा गिफ्टेड या टैलेंटेड। सी यहां पर आपका इसका सही आंसर होगा। एफिशिएंट मतलब बहुत कार्यकुशल। देखिए एफिशिएंट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ई डबल एफ आई सी आई आएगा इसमें, पहले ई बाद में आएगा, ई डबल एफ आई सी आई ई एन टी। वेल्दी यानी समृद्धशाली, और ऑफेंसिव, जो ऑफेंसिव मतलब कोई ऐसी बात कहना किसी व्यक्ति से जो किसी व्यक्ति को बुरी बुरी लग जाए, वो होता है ऑफेंसिव। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? गिफ्टेड, गिफ्टेड यहां पर आपका सही आंसर होगा। अवेरिसियस, तो इसका सिनोनिम क्या होगा ये आप लगाइए इसका आंसर। फ्रिबोलस दिया है, लिबरल दिया है, ग्रीडी दिया है, रिफ्यूट दिया है, तो अवेरिसस का सही आंसर आप लगाएं, ठीक है। अवेरी हम एक्चुअली लालच को बोलते हैं, तो अवेरिसियस जो होगा वो कैसा होगा? लालची होगा। तो ग्रीडी यहां पर इसका सही आंसर है। रिफ्यूट का क्या अर्थ है? रिफ्यूट का अर्थ है टू डिनाय समथिंग, किसी बात को मानने से इनकार कर देना या उसका खंडन करना, ये होता है रिफ्यूट। लिबरल मतलब जो स्ट्रिक्ट नहीं है वो होता है लिबरल, और फ्रिबोलस मतलब जो लाइट हार्टेड है, ठीक है, वो होता है फ्रिबोलस। तो एबेरिसस का यहां पर सही आंसर होगा ग्रीडी। टेम्पर, टेम्पर में देखिए दो होते हैं, एक होता है टी एम पी ई आर और एक होता है टी एम पी ई आर। तो टी एम पी ई आर जो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे आपने क्रिकेट में सुना होगा बॉल टेम्परिंग, ठीक है, जो बॉलर होते हैं वो बॉल के साथ टेम्परिंग करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसको उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ कुछ भी फिजिकल फॉर्म में छेड़छाड़ करते हैं। तो टेम्पर का क्या मतलब है? टेम्पर का मतलब है इंटरफियर करना, और इंटरफियर के लिए जो वर्ड है वो है आपका फिडल। तो सी यहां पर आपका सही आंसर होगा। ट्रैंक्विलिटी का क्या मतलब है? ट्रैंक्विलिटी का अर्थ होता है कामनेस, पीसफुलनेस, उसको हम बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी। एटीट्यूड, बिहेवियर ये नहीं होंगे। और जो गुस्से वाला जो टेम्पर होता है वो होता है टी ई एम पी ई आर, जैसे हम बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा? फिडल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अनकूथ, और इसका आपको सिनोनिम नहीं बताना है, इसका आपको एंटोनिम बताना है अनकूथ का। अनकूथ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो रूड है, जो गमार है, जो जो वेल मैनर्ड नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनकूथ। तो डेफिनेटली इसका जो सिनोनिम, जिसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा ग्रेसफुल, वेल मैनर्ड या डिसेंट। तो डिसेंट यहां पर इसका सही आंसर होगा। ब्लंट तो एक्चुअली इसका सिनोनिम ही होगा। डिकेंट, ये डिसेंट नहीं है, ये डिकेंट है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये डिकेंट है और ये डिसेंट है। डिकेंट का क्या अर्थ है? डिकेंट का अर्थ होता है पॉर आउट, मतलब एक, जैसे एक जग है और एक जग से दूसरे जग में आप पानी को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिकेंट।
और डूबियस का अर्थ होता है डाउटफुल। डाउटफुल के लिए एक वर्ड और है, स्केप्टिकल बोलते हैं उसको हम, स्केप्टिकल। तो अनकूथ का यहाँ पर सिनोनिम क्या होगा? डिसेंट। ये सही यहाँ पर वर्ड इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसका भी आपको एंटोनिम बताना है। रिप्यूडिएट, रिप्यूडिएट इसका सिनोनिम लगाइए, इसका सॉरी एंटोनिम लगाइए आप यहाँ पर, देख लीजिए इसको। और ये है वर्ड, ठीक है। तो रिपूडिएट का अर्थ होता है त्याग करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को डिस्क्लेम करना, और डिस्क्लेम का अपोजिट क्या होगा? क्लेम करना। तो क्लेम यहाँ पर इसका एंटोनिम आंसर होगा। क्वेश्चन 14 देखते हैं, एक्जोनरेट, इसका क्या बताना है आपको? एंटोनिम बताना है। पहले आपको एक्जोनरेट का मीनिंग पता होना चाहिए। एक्जोनरेट का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति को बरी कर देना, आरोप से मुक्त कर देना, उसको एब्जॉल्व कर देना, या उसके लिए कई सारे वर्ड हैं, ठीक है। तो एक्विट कर देना, एक्विट भी एक वर्ड है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ब्लेम। लिबरेट मतलब फ्री करना, डिफेम मतलब बदनाम करना, ऑस्ट्रसाइज मतलब अपने समाज से बाहर करना, उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रसाइज। तो एक्जोनरेट का एंटोनिम क्या होगा यहाँ पर? एक्जोनरेट का एंटोनिम होगा ब्लेम, ठीक है। क्वेश्चन 15 देखते हैं, अब ये आ गया आपका स्पॉटिंग एरर का सेक्शन। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, और 25 क्वेश्चन में से कम आपके 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मतलब 40 नंबर आपके मिनिमम आने ही चाहिए इसमें। अब देखिए, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट। तो इसका आंसर आप बताइए, इसमें किस सेक्शन में गलती है, और गलती है या नहीं वो आपको बताना है। उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, आप 30 सेकेंड में आप इसका आंसर आप लगाएं। और अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ, यहाँ तक तो ये सही है। उसके बाद हेनरी ने अपनी वाइफ से पूछा कि उसने खाने में क्या बनाया था। तो चूंकि ये क्वेश्चन तो है नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर यदि आप क्वेश्चन मार्क देखते हैं, क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए ये वॉट हैड नहीं आप लिखेंगे, आप लिखेंगे वॉट सी हैड, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब तब आती है जब वो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है, क्वेश्चन पैटर्न होता है, ये क्वेश्चन पैटर्न नहीं है। अगर क्वेश्चन पैटर्न होता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपको अफर्मेटिव पैटर्न का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? वॉट हैड सी की जगह वॉट शी हैड आप बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हो गया ए पार्ट, ये पार्ट हो गया बी पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट बी पार्ट है, तो बी पार्ट में आपका गलती है, बी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, बताइए इसमें किस पार्ट में गलती है। माई फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड मी फॉर टी दिस संडे। तो इसमें आप अपना आंसर लगा लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। माई फ्रेंड हैज़ तक कोई गलती नहीं है, इन्वाइटेड सही है क्योंकि हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो इन्वाइटेड सही है, मी सही है। लेकिन इन्वाइटेड के बाद प्रपोजिशन फॉर नहीं लगाते हम, लगाते हैं टू, ये वर्ड गलत है आपका, ठीक है। अब ये वर्ड जो गलत है किस पार्ट में है? ये ए बी और सी, सी पार्ट में है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी। आई गो टू स्कूल बाय वॉक, बताइए ये सही है कि गलत है? बाय के साथ आप वॉक लगा सकते हैं, फुट के साथ आप ऑन लगाते हैं, तो आई गो टू स्कूल बाय वॉक, ये क्वेश्चन सही है, और इसका आंसर होगा डी यानी नो एरर। क्वेश्चन 18 देखते हैं, नन ऑफ द ट्विंस ऑफर टू हेल्प हिम। आराम से देखें, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और CHSL एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन में ट्विंस का क्या मतलब है? ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा, ठीक है। जुड़वा कितने लोग होते हैं? दो या दो से ज़्यादा, दो लोग होते हैं। तो दो के लिए हम क्या लगाते हैं? नन या नीदर? दो के लिए हम लगाते हैं नीदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड गलत है आपका, और आंसर होगा आपका ए, क्योंकि ए पार्ट में ये गलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। ही फिक्स्ड ए मेटल लैडर सो एज टू बी एबल टू एस्केप इफ देयर वॉज अ फायर। मेटल की लैडर को उसने फिक्स किया दीवार पर, ताकि सो एज टू एबल टू एस्केप इफ देयर वॉज ए फायर, यदि आग लगती है तो वहां से
एस्केप किया जा सके, ये इसका मतलब है। तो इसमें क्या गलती है, ही फिक्स्ड अ मेटल लैडर। देखिए फिक्स जो वर्ड है इसके साथ हम टू वर्ड लगाएंगे यहाँ पर, फिक्स इट टू द वॉल, फिक्स इट टू द वॉल, फॉल नहीं आएगा यहाँ पर, तो इसलिए ये जो वर्ड है ये गलत है यहाँ पर। ए इसमें आपका सही आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स इन टू द कॉलेज। क्या गलती है इसमें, आप देखें आराम से, 30 सेकेंड का टाइम लीजिए और उसके बाद फिर अपना आंसर रखिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, 20 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इसमें क्या गलती है मैं बता देता हूँ आपको, स्टूडेंट्स सही है, आर सही है स्टूडेंट्स के साथ, प्रोहिबिटेड सही है, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड मतलब स्टूडेंट को रोका जाता है कि वो अपनी साइकिल कॉलेज में नहीं ले जाएं, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड के बाद जो प्रपोजिशन लगता है वो लगता है फ्रॉम, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम, और फ्रॉम चूंकि एक प्रपोजिशन है इसलिए इसके बाद आप लगाएंगे ब्रिंगिंग, ब्रिंग गलत है, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल इन टू द कॉलेज, ये इस तरीके से सेंटेंस बनेगा और बी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। 21st देखते हैं, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बायनोकुलर ऑन माई बर्थडे। बायनोकुलर मतलब दूरबीन जो होती है, ठीक है, तो इसमें क्या गलती है आप लगाइए, माई फादर गेव सही है, मी सही है, अ पेयर ऑफ सही है, लेकिन ये गलत है। बायनोकुलर्स हम बोलते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स हम बोलते हैं या गॉगल्स बोलते हैं या पैंट्स बोलते हैं या ट्राउजर्स बोलते हैं, तो इसको आप हमेशा प्लूरल में यूज़ करोगे, बायनोकुलर्स, ठीक है, तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। 22nd देखते हैं, बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, नो एरर। अब देखिए बीइंग अ हॉलीडे, चूंकि वह एक हॉलीडे था, चूंकि वह एक हॉलीडे था इसलिए हम पिकनिक के लिए बाहर निकल गए, चूंकि वह एक हॉलीडे था या चूंकि वह दिन एक हॉलीडे था, और वह दिन को यदि आप प्रोनाउन के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे, इट बोलेंगे, ठीक है, तो इसमें बीइंग का क्या मतलब, बीइंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव जो होता है वो किसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की, तो नाउन या प्रोनाउन तो यहां पर है ही नहीं, इस बीइंग से पहले आपको नाउन या प्रोनाउन जो चाहिए वो यहां पर चाहिए, तो यहां पर आप लिखेंगे इट बीइंग ए हॉलीडे वी वेंट फॉर अ पिकनिक, तो यहां पर जो इट है वो मिसिंग है, इसलिए बी ए पार्ट में इसमें गलती है। ये फिलर्स के क्वेश्चन हैं, इसको करिए आप। इट इज डिफिकल्ट टू मेक व्हाट सी इज ट्राइंग टू से या व्हाट सी इज सेइंग। तो इसका क्या मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कि वह क्या बोलने की कोशिश कर रही है या वह क्या बोलना चाहती है, इसका अंदाजा लगाना, इसको भांपना मुश्किल है, ठीक है, इसको समझना मुश्किल है, तो भांपना या समझना इसके लिए हम क्या फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं, इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं मेक आउट, तो यहाँ पर जो वर्ड चाहिए आपको वो चाहिए आउट, तो सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 24 देखते हैं, माई चिल्ड्रन टू बी पोलाइट विद एल्डर्स। क्या आएगा इसमें, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि टू बी पोलाइट विद एल्डर्स मतलब बड़ों के साथ विनम्र होना, ठीक है, ये मैंने अपने बच्चों को सिखाया है, मैंने अपने बच्चों को इस तरीके से परवरिश की है, तो परवरिश करने से संबंधित यहाँ पर एक वर्ड चाहिए, और चूंकि यहाँ पर अप दिया है तो अप के साथ कौन सा वर्ड जुड़ेगा जो परवरिश को बताता है, तो अप के साथ आपका वर्ड जुड़ेगा ब्रॉट, क्योंकि ब्रिंगअप का अर्थ होता है परवरिश करना, ठीक है, तो ब्रॉट अप चूंकि ये पास्ट का सेंटेंस है इसलिए ब्रिंग अप का जो पास्ट टेंस होगा वो ब्रॉट अप होगा। रियर का मतलब होता है अपने आप, रियर का मतलब ही अपने आप में ब्रिंग अप होता है, ठीक है, तो रियर यदि आप यहाँ पर लगाएंगे तो रियर्ड अप हो जाएगा ये, जो कि गलत होगा, ठीक है। कॉल अप का मतलब बुलाना, ब्रिंग अप इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट टेंस में चाहिए आपको, तो इसलिए यहां पर बी जो ऑप्शन है वो सही होगा। आई ब्रॉट अप माई चिल्ड्रन, आई ब्रॉट माई चिल्ड्रन अप टू बी पोलाइट विद एल्डर्स, मतलब मैंने अपने बच्चों को इस तरीके से पाला है कि वो एल्डर्स के साथ पोलाइट रहें, तो बी यहां पर सही आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आई हैव मेड सम कॉपीज, वुड यू लाइक मी टू, मैंने कुछ कॉपीज क्रिएट की हैं, फोटो कॉपी करी है,
क्या आप चाहोगे कि उनको मैं बांटूं? तो बांटने के लिए देखिए क्या वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूट तो आएगा नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट के साथ ये आउटवर्ड नहीं जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। डिवाइड आउट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। डोल आउट होता है, डोल आउट लेकिन अलग सेंस में यूज होता है। कॉपीज बांटने के सेंस में हैंड आउट वर्ड जो है वो सही है, क्योंकि हाथों में देते हैं हम कॉपीज को, तो हैंड आउट यहां पर सही है और ए इसमें सही आंसर आपका होगा। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, ये एस्पिरेंट्स को मतलब आप लोगों को करना है और इसका आंसर मुझे लिख के आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। ये आ गया आपका रिपोर्ट कार्ड, कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने मार्क्स आपके बने हैं। यदि 21 से 25 क्वेश्चन आपके सही हैं तो परफॉर्मेंस आपकी है आउटस्टैंडिंग, यानी बहुत ही अच्छी। 18 से 21 में एक्सीलेंट है, 15 से 18 में वेरी गुड है, 10 से 15 में बिलो एवरेज है, और बिलो 10 में तो भगवान ही मालिक है, पूअर परफॉर्मेंस है, ठीक है। और ये है आपका फीडबैक एंड सजेशन, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को एक नया डायमेंशन दे सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए आराम से कि कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स पर आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पढ़ के आप अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकॉन होता है, उसको भी आप ज़रूर दबा देना, तभी आपको इस चैनल के सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और ये है इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने ई बुक भी क्रिएट की है, यदि आप ई बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, इंस्टामोजो की लिंक है, वहाँ से आप ई बुक्स खरीद सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ई बुक्स हैं बैंक पीयू एग्ज़ाम के लिए और एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 1। मॉक टेस्ट नंबर 2 के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो क्लास को देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।